कहते हैं किसी को बेहतरीन तोहफा देना हो तो मदद कर देना, और जिसकी भी करो तुम दिल से मदद करना। जी हाँ, इसी कहावत को सच करके दिखाया है प्रयागराज के चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर कमलेश कुमार त्रिपाठी ने। चलिए बताते हैं कैसे प्रयागराज में कमलेश कुमार त्रिपाठी एक बड़े पद पर तैनात हैं, लेकिन उनकी दरिया दिली एक मिसाल बन गए। कमलेश कुमार त्रिपाठी पिछले 2 महीनों से लगातार उन गरीब बच्चों और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों की मदद कर रहे हैं जो बेहद गरीब होते हैं। प्रयागराज के अलग अलग झुग्गी झोपड़ी में कमलेश आपको उनकी मदद करते हुए दिख जाएंगे। वो गरीबों के लिए कभी कपड़े बांटते हैं तो कभी कॉपी, कभी किताब। वहीं इसके साथ साथ गरीब बच्चों को कभी इस तेज धूप में टोपी, स्लीपर और फ्रूट जूस भी पिला देते हैं। कमलेश कुमार त्रिपाठी अपनी कार में ये सामान रखकर अलग अलग झुग्गी झोंपड़ी में जाते हैं और सभी गरीब बच्चों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। कमलेश त्रिपाठी ने बताया कि उनको ये प्रेरणा प्रयागराज के मशहूर समाजसेवी पंकज रिजवान से मिली है। अक्सर वो उनके किए कार्यों को मीडिया के जरिए से देखते रहते थे, फिर उनसे मुलाकात हुई और उनके अंदर भी लोगों के प्रति निस्वार्थ मदद करने का भाव पैदा हुआ। कमलेश दारागंज, संगम और परेड ग्राउंड के झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे गरीब बच्चों की मदद करते हुए अक्सर नजर आते हैं। वहीं टोपी, चप्पल और फ्रूट ड्रिंक पाकर बच्चे बेहद खुश नजर आए। छोटी बच्ची प्रतिमा निषाद भी बेहद खुश नजर आई। उसने कहा कि 2 दिन पहले ही उसकी चप्पल टूट गई थी, जिसके बाद उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसको चप्पल कहीं से मिल जाए, क्योंकि उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे। 2-3 दिन पहले मेरा चप्पल टूट गया था, मैं नंगे पैर कोचिंग कैसे जाऊं। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान मुझे मेरी चप्पल मिल जाए। भगवान ने पंकज भैया को भेजा, पंकज भैया के साथ एक अंकल को भेजा। अंकल चप्पल दिए, टोपी दिए और जूस दिए। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कितनी पूछो, कितनी गर्मी लगती थी? अब कितनी पहले बहुत गर्मी लगती थी। जब भैया आए, हमें टोपी दिए, तो हम भैया को बोले भैया को हम बहुत सारी बधाई देना। वहीं अधिकारी कमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मार्च महीने से ही गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है और मार्च के तीसरे हफ्ते में जब वो संगम क्षेत्र गए और थोड़ी देर के लिए जब उन्होंने अपने जूते उतारे तो उनको एहसास हुआ कि जमीन कितनी गर्म है। इस दौरान उन्होंने कई बच्चों को देखा जो नंगे पैर रेत पर चल रहे थे। उसी दिन से उन्होंने ठान ली कि वो उन लोगों की मदद करेंगे जो इसके बेहद हकदार हैं। इसके बाद से ही वो लगातार असहाय गरीब बच्चों की मदद कर रही हैं। हालांकि अब वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम हों वो इंसानियत दिखाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। ये अभी गर्मी शुरू हुई तो मैं संगम क्षेत्र में गया और मैंने वहाँ देखा तपती हुई धूप में, जिसमें इतना ज्यादा मैं पैर जब अपने चप्पल जूते उतारा तो मैं देखा कुछ सेकंड भी मैं नहीं रुक पा रहा था। तो मैंने महसूस किया इन बस्तियों में इन गरीबों के पास जिनके पास चप्पल नहीं थी या गर्मी भीषण धूप में कैप नहीं है, तो मैंने महसूस किया कि इनकी कुछ मदद की जाए। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज इस कार्य को यहाँ कर रहा हूँ और यह समय समय पर जब कभी मुझे अवसर मिलता है, राजकीय कार्य से जब फुर्सत मिलती है किसी छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन, तो मैं ऐसे ही निकलता हूँ और जहाँ पर कहीं जिसकी जो ज़रूरत होती है, आवश्यकता अनुसार जो समझ में आता है, उसको कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा बहुत उनकी मदद कर सकूँ। ये शुरुआत तो मेरी 7-8 महीने पहले मेरी मुलाकात यहाँ पर पंकज जी से हुई। पंकज जी को मैंने समाज सेवा करते हुए देखा, वो उनके कैंसर के प्रति जो लोगों का एक जो उसके बीमार पेशेंट थे उनके प्रति जो उनके मन में भाव थे, जो सेवा भाव था, उसको देखा तो मैंने महसूस किया कि और मैं उनसे प्रेरित हुआ कि सीमित संसाधनों में किस प्रकार से वो अपना सब कुछ न्यौछावर करके मदद कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। प्रेरणा स्रोत पंकज जी ही रहे, जिनके कारण एक ये भी अवसर मिला मुझे। कमलेश कुमार त्रिपाठी की अब इस दरियादिली की चारों तरफ प्रयागराज में चर्चा हो रही है। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वो सामने आए और गरीबों की मदद करें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि उनकी अपील रंग लाएगी और कई लोग सामने आकर गरीबों की मदद करेंगे। उनका मानना है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और इसी कहावत को सच करके दिखा रहे हैं प्रयागराज के चीफ फूड सेफ्टी ऑफिसर कमलेश त्रिपाठी जी। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे वो यहाँ पर मौजूद हैं और कई दिनों से ये झोपड़पट्टी जाते हैं या गरीबों के पास जाते हैं और उनको टोपी, चप्पल,
और जो फ्रूट जूस हैं वो बांटते हैं। इनके साथ पंकज रिजवानी जी भी मौजूद रहते हैं और कमलेश जी ने बताया कि पंकज रिजवानी से वो प्रेरणा लिए हैं और अब वो बीते करीब 2 महीनों से लगातार जब भी उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है तब वो अपनी गाड़ी में भारी सामान ले करके जो बच्चों से जुड़ी चीज़ें हैं वो झोपड़पट्टी पहुंचते हैं। उनका कहना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा समस्या गरीबों को हो रही है, छोटे बच्चों को हो रही है, जिसकी वजह से वो ये कार्य बीते कई महीनों से कर रहे हैं। ऐसे में अब वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो भी लोग सक्षम हैं वो ऐसे कार्य ज़रूर करें। तो हम ये कह सकते हैं कि एक अलग सी तस्वीर प्रयागराज से देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर बता, पंजाब के एसरी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।